ने बीजेपी के संदर्भ में कहा, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा, और जिनकी राम में कोई आस्था ही नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी। उन्होंने कहा, जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं दी गई, यहाँ तक कि उन सभी को एक साथ नंबर दो बना दिया गया। भगवान का न्याय सच्चा और आनंददायक है। उन्होंने कहा, जो लोग राम की पूजा करते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए, जो राम का विरोध करते हैं भगवान स्वयं उनसे निपटते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम भेदभाव नहीं करते और दंड नहीं देते, राम किसी को विलाप नहीं कराते, राम सबको न्याय देते हैं, वो देते हैं और देते रहेंगे। भगवान राम हमेशा न्यायप्रिय और न्यायप्रिय रहेंगे। इंद्रेश ने यह भी कहा कि भगवान राम ने लोगों की रक्षा और रावण का भी भला किया था।